खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज मैं आपको मेक्सिको की सैर कराता हूँ। भाई मेक्सिको एकदम यूएस के पास में, लेकिन जगह कमाल की है, लोग भी बहुत बढ़िया है वहाँ पर और मेहनती लोग हैं। और उसका खाना जो है वहाँ का हमारे हिंदुस्तान से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन काफ़ी फर्क भी है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी रेसिपीज बनाई जाए जो हमें पसंद आएंगी और ऐसी चीज़ें जो आप घर में बार बार बना सकते हैं। खाना ऐसा होना चाहिए किसी दूसरी कंट्री का, खास तौर से जो हम अपने घर पे बना सकें, नहीं तो फिर क्या फायदा है। तो चलिए एक सूप बनाते हैं, रोस्टेड कैप्सिकम। इसलिए ये कैप्सिकम जो है ये रोस्ट करने के लिए मैंने रखी हुई है। और ये मेरे पास कॉर्न, ये उबले हुए दाने, और इसमें ये डाल रहा हूं मैं दूध। लेकिन इसे बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है, ये देखिए। चलिए ये हो गया। अब एक प्याज को चॉप कर लेते हैं हम। प्याज चॉप हो गया। अब इस सूप को पकाने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा तेल, ये जो प्याज है इसे थोड़ा सा फ्राई करना है तेल में। अब क्या करना है, थोड़ा पानी ले लें और पानी के अंदर और फिर ऊपर से इसे इस तरह से ये निकाल लें। बस बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बैंगन को जब रोस्ट करते हैं भरते के लिए, उसी तरह से जो प्याज है ये भी हल्के से लाल, क्योंकि रोस्टेड कैप्सिकम है तो प्याज थोड़ा सा लाल, ज़्यादा नहीं। अच्छा पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि ये और ज़्यादा लाल ना हो जाए, जल ना जाए। अब ये जो कैप्सिकम है हमारे पास ये ले लेते हैं और इसके इस तरह से पीसेस काटने, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। ये प्याज में ये कॉर्न, और अब इसे हम डाल देते हैं ये सूप के अंदर। ये इसमें डालते हैं नमक स्वाद अनुसार, सॉल्ट टू टेस्ट। ये मेरे पास लाल वाली मिर्च, और इसे इस तरह से काट के डालें ताकि इसमें तीखापन भी आ जाए। लेकिन अगर आपको मिर्च नहीं खानी है तो आप उसे निकाल सकें। ये देखिए ये इसके अंदर। और अब ये जो सूप है इसे थोड़ा सा हम बाइंड कर लेते हैं। वैसे तो कॉर्न इसके अंदर है, काफ़ी बाइंड हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो कंसिस्टेंसी है, टेक्सचर है, वो बेटर करने के लिए थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ये ले लिया। पानी में कॉर्न स्टार्च को घोला, इसको इसके अंदर ये लीजिए मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा करना है हमें, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है बस। अब इसमें कसर नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि स्वाद कैसा आ रहा है इसका। वैसा ही आ रहा है जैसा हमें चाहिए या नहीं। एक्चुअली जैसा मैंने सोचा था उससे कुछ ज्यादा तीखा है। खैर कोई बात नहीं, मैं मिर्च निकाल लूंगा। आपको निकालनी है रखनी है आपकी मर्जी है। गर्मा गर्म सूप बनाएं, मिर्चें अपनी पसंद से डालें। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एग्रीकैप। कॉर्न एंड कैप्सिकम सूप के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मकई के दाने, 1 हरी शिमला मिर्च, आधा कप दूध, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 प्याज कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 2 ताजी लाल मिर्चें स्लाइस की हुई और 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च। इस सूप के लिए शिमला मिर्च को पहले सीधी आंच पर भून लें, फिर इसे ठंडे पानी से धोकर काट लें। मकई के दानों में दूध डालकर इसे पीस लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके इसमें प्याज डालकर भून लें। अब पिसी मकई और 1 कप पानी डालकर इसे थोड़ा और पकाएं। इसमें भुनी शिमला मिर्च, नमक और लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। अब कॉर्न स्टार्च को 1/4 कप में घोलकर इस सूप में डालें और गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर इसे गर्मा गर्म परोसें।